पंजाब में 14 मई ते चूंडन बाबत इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त बुधनी कुछ देर में थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में टे रुकनी बेंच केस की बुधनी कंदी। इलेक्शन कमीशन जो वकील अज भी पंजा दलील जारी रखंद। वफाक समेत बियन धुरियन जवाब जमा कराए छ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई अगवान असद उमर के आजाद करण जो हुकुम दई छड़ियो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में असद उमर खिलाफ केसन जा तफसील फरहम आई गिरफ्तारी खिलाफ केस जी बुधनी असद उमर तरफा वकील बाबर रहमान अदालत में पेश थे। अदालत फ्री एमपीओ तहत संदस गिरफ्तारी का लदम करार दई छड़ी। अदालत जी असद उमर के ट्वीट्स पर डिलीट करण की हिदायत। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत टिन अगवाणन के नजरबंद किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन लाए नजरबंद किया। डीसी रावलपिंडी पारा नोटिफिकेशन जारी। जमशेद चीमा मुसरत चीमा के भी नजरबंद किया। गुजरियल दिन शाह महमूद कुरैशी के जेल में आजादी मिलने बाद बीहर गिरफ्तार किया वो हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ अज वफाकी काबीना जो इजलास थो। काबीना इजलास की बनुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से वेचारो वो। काबीना ईसीसी के 16 मई के फैसलन की मंजूरी दी। नाणे वारे वफाकी वजीर सागार की सदारत हेठ इक्तसादी राबता कमेटी जो इजलास अज थो। इजलास में हलंदड़ साल दौरान मुल्क में यूरिया भाण की खपत जो जायजो वरतो वो। अमरीका जो पाकिस्तान की तेल और गैस कंपनी के ठिकाणन से दहशतगर्दन के हमले से अफसोस जो इजहार। अमरीकी पढ़ई वजारत के तर्जुमान मैथिव मलर है तो अमरीका पाकिस्तान की सूरत हाल के मॉनिटर कर रो है। पाकिस्तान में मौजूदा हालतों जो जायजो वी रहा हूँ। मारजी वेलन के खानदान से ताजियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद क्यों था। सिंध जो वो वजीर सैयद मुराद अली शाह नेवल चीफ ऑफ स्टाफ अमजद न्याजी से घर पहुंची व्या। नेवल चीफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सांघर की नई तामीर थियल इमारत जो इफ्तिताह कंदो।